बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और बच्चों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। बहुत लाजवाब तरीके से इन बच्चों को तैयार किया गया है। नो डाउट ये छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे कलाकार भी और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इतने छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया गया है। बहुत शानदार प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और भी बिजनेस आप कर सकते थे लेकिन आप एक शिक्षक के लाइन में ही क्यों आए, और भी कई बड़े बिजनेस आप आसानी से कर सकते थे। इस वक्त अनिल धनखड़ हमारे साथ मौजूद है जो इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इनसे पूछ लेते हैं किस तरह का कार्यक्रम है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और बच्चों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। जी अच्छा, आपके बच्चे ही पढ़ते हैं स्कूल में? नहीं, मैंने अभी नहीं पढ़ते लेकिन मैं विचार करूंगा इतने अच्छे परफॉर्मेंस देख के। देखिए परफॉर्मेंस की बात तो जो है ना, ये सामने बैठी पब्लिक, इनके पेरेंट्स, इनके अभिभावकों सब बता सकते हैं। आप अपने खुद अपने चैनल के माध्यम से भी ये दिखा सकते हैं कि बहुत लाजवाब तरीके से इन बच्चों को तैयार किया गया है। नो डाउट ये छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, तो परफॉर्मेंस तो बहुत गजब की है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे RPS स्कूल चरखी दादरी चलाते हैं सुधीर जी, सर इतने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते हैं, कोई चुनौती नहीं होती आप? चुनौती तो बिल्कुल होती है देखिए, लेकिन वो चुनौतीपूर्ण कार्य ही तो अध्यापक करता है, वो चुनौतीपूर्ण कार्य ही तो वह टीचर्स करते हैं। समाज का निर्माण करने का जो काम करते हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चों को, ये बच्चे आज के, ये कल के राजनेता हैं, ये बच्चे कल के अधिवक्ता हैं, ये बच्चे कल के अभिनेता हैं, तो वो चुनौतीपूर्ण कार्य तो जरूर रहता है। जैसा कि सुधीर जी ने बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं आने वाले समय में ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। तो काफी चुनौती होती है जब इतने छोटे छोटे बच्चों को सिखाना समझाना कि किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है। छोटे छोटे बच्चे सामने परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक्चुअली मैं तो रविंदर सांगवान जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना बड़ा ग्रुप जो हमारी चरखी दादरी के क्षेत्र में वो लेके आए हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इतने छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया गया है। बहुत शानदार प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। सर एक बात और पूछना चाहेंगे, इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के लिए क्यों आवश्यक होते हैं? देखिए सर, एक बहुत सिंपल सी बात है कि यदि बच्चों को केवल किताबी कीड़ा बनाना है तो वो जमाना जा चुका है। आज बच्चा मंच के माध्यम से सर्वांगीण विकास के लिए ये स्टेज के कार्यक्रम बहुत जरूरी होते हैं। जी देखिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह से स्टेज के कार्यक्रम जो होते हैं, एजुकेशन के अलावा जो और एक्टिविटी होती है, वे बहुत ही आवश्यक होती है। इस वक्त जिड्डी गोइनका से रविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल के सभी सदस्यों का स्वागत है। जी सर, आज स्कूल की तरफ से क्या कार्यक्रम चल रहा है? स्कूल का आज ये फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन है जिसको हम तारे जमी के नाम से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं यहाँ पे। जी सर, इतना अच्छा नाम आपने क्या सोच के रखा? सर छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को देखते हुए ये नाम ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आया। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, चरखी दादरी में एक इतने बड़े स्कूल की आप संस्था लेके आए हैं, इसके पीछे क्या मोटिव है? देखिए मैं 2003 से इस एजुकेशन फील्ड में हूँ और 2003 से जैसे ही मैं, मतलब इतना 20 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ GD गोयनका में आके उस 20 साल का पूरा निष्कर्ष, मेरा जो अनुभव जितना भी है वो सारा मैंने यहाँ पे उढ़ेल दिया है। और हमें खुशी है कि हम दादरी में एक ऐसा स्कूल दे पा रहे हैं जिसकी पेरेंट्स को ज़रूरत भी थी और दादरी की रिक्वायरमेंट भी थी। मेरा सौभाग्य है कि मैं, मेरे द्वारा इस संस्था को यहाँ पे स्थापित किया गया है, ये प्रभु की मेरे पे स्पेशल देन कृपा है। अच्छा सर आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, आमतौर पर देखते हैं स्कूल अपने प्रांगण में कार्यक्रम करवाते हैं लेकिन एक आप प्राइवेट वाटिका में पहुँचे और इतने बड़े लेवल पे आप कार्यक्रम करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या मनसा रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी मनसा ये है कि जैसे हमारा एक साल पूरा हुआ है संस्था को और एक साल पूरा होने पर हमारे साथ जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं वो प्लस में जो बाकी जो पेरेंट्स हैं जो स्कूल के साथ जुड़े नहीं हुए हैं लेकिन जुड़ना चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स की संख्या हमारे पास बहुत ज़्यादा है। उस संख्या को देखते हुए हम अगर स्कूल प्रांगण में ऐसा आयोजन करते हैं तो वहाँ पे स्पेस कम रहता हमारे पास और हम नहीं चाहते थे कि एक भी पेरेंट्स, एक भी साथी, एक भी पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो इस कार्यक्रम को देखने से वंचित रहे। इसलिए हमने एक बड़ा स्पेस की ज़रूरत थी और बड़ा स्पेस हमें एक वाटिका में मिल सकता था, इसलिए हमने पेरेंट्स की संख्या तादाद को देखते हुए यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जी सर, आप बिल्कुल, आपने
जीरो से शुरू किया और इतनी तेज रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं आगे, लगातार बच्चों का भविष्य बनाने में आप कार्यरत हैं, क्या आपके सामने इस सफर में कोई सबसे बड़ी चुनौती आज तक मिली आपको? देखिए, चुनौती किसी भी फील्ड में आप जाओगे चुनौती हर फील्ड में मिलेगी, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें चुनौतियाँ ना हों, लेकिन मैं प्रभु का शुक्रगुजार करता हूँ कि इन तमाम चुनौतियों से मुझे पार दिलाई और मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया, उसके लिए मैं केवल और केवल प्रभु की जो मेरे इस पे विशेष कृपा रही है उसको मानता हूँ। और भी बिजनेस आप कर सकते थे लेकिन आप एक शिक्षा के लाइन में ही क्यों आए, और भी कई बड़े बिजनेस आप आसानी से कर सकते थे? यस, ऑब्वियसली बिजनेस कोई भी कर सकता था, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपने जो गेन किया है उसको आप स्प्रेड कर सकते हो। एजुकेशन को आप समाज में बांट के एक तरह से राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण हर नागरिक का कर्तव्य है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे इसी धारणा के साथ मैं इस फील्ड में आया हूँ। पैसे किसी भी फील्ड में कमाए जा सकते थे लेकिन ये वो फील्ड है जिसमें मैं एक राष्ट्र निर्माण में भी अपना सहयोग दे पा रहा हूँ। जी सर, आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि बच्चों का भविष्य और बेहतर हो सके इसके लिए क्या प्रयासरत है आपकी तरफ से? हम हर रोज नई चीज़ें सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों से हम हमेशा जब भी मौका मिलता है उनसे मिलते हैं और उनसे सीखते हैं कि हम क्या नया कर सकते हैं। और जिस दिन हम नया सीखना बंद कर देंगे, मान लीजिए, मान जाइए आप कि हमारी प्रोग्रेस बंद हो जाएगी, तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोज़ नया सीखिए, रोज़ नया प्रयोग करिए। जी, इस वक्त रविंदर सांगवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई भी बिजनेस ये आसानी से कर सकते थे लेकिन शिक्षा की लाइन में इसलिए आए ताकि बच्चों का भविष्य बना सके, क्योंकि जब अच्छी शिक्षा अच्छे समाज के अच्छे बच्चों को देंगे तो कहीं ना कहीं समाज भी जागरूक होगा, समाज का भी विकास होगा और देश का विकास भी होगा। इनका यही कहना है कि इन्होंने इस फील्ड को इसीलिए चुना ताकि और बच्चों का भविष्य बना सके। आपको जैसा कि आपको पता होगा जिड्डी गोयनका की देश भर में हजारों ब्रांचेज हैं, उनमें से एक ब्रांचेज चरखी दादरी में भी रविंद्र सांगवान जी लेकर आए हैं और यही प्रयास है कि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने में ये अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।